नमस्कार, मैं शैलेंद्र सोलंकी प्राउड भारत स्काउट एंड गाइड पेश करता हूँ आज के मुख्य समाचार। नेपाल स्काउट द्वारा 4 से 7 जुलाई 2023 तक आयोजित एसडीजी स्काउट सेतु एशिया प्रशांत की क्षेत्रीय कार्यशाला में 3 युवाओं ने भारत स्काउट एवं गाइड्स का प्रतिनिधित्व किया। भारत स्काउट एवं गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा एचपी वर्ल्ड्स ऑन व्हील वाओ परियोजना के अंतर्गत 109 प्रतिभागियों को कंप्यूटर ज्ञान प्रदान किया गया। यूनिसेफ साझेदारी परियोजना क्लैप एंड क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान के अंतर्गत राष्ट्रीय शासकीय संस्थान पचपड़ी में 3 जुलाई 2023 को 100 पदे लगाए गए। रोड्स एवं रेंजर्स हेतु क्षेत्रीय युवा संगोष्ठी 4 से 8 जुलाई 2023 तक राज्य मुख्यालय शिलांग मेघालय में आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य पुरस्कार समारोह 11 जुलाई 2023 को राजभवन ईटानगर में आयोजित किया गया। पूर्वी रेलवे राज्य के डांगापर समूह द्वारा कंचरापाड़ा रेलवे वर्कशॉप परिसर में 10 से 15 जुलाई 2023 तक जल वितरण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। स्काउट्स विभाग हेतु एडवांस कोर्स का आयोजन 16 से 22 जुलाई 2023 तक राज्य प्रशिक्षण पार्क मधुपुर में पूर्वी रेलवे राज्य द्वारा किया गया। 15 जुलाई 2023 को पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर जिला एसोसिएशन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिपुरा राज्य के सदस्यों ने 16 जुलाई 2023 को रविंद्र शताब्दी भवन में आयोजित नशा मुक्ति भारत के लिए खेलो त्रिपुरा नामक एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। मिजोरम राज्य के कोलासिब जिला एसोसिएशन ने 12 जुलाई 2023 को राज्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। सदस्यता वृद्धि परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कब मास्टर्स, स्काउट मास्टर्स, गाइड कैप्टन्स एवं स्काउट लीडर्स हेतु बेसिक प्रशिक्षण कोर्स 10 से 16 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया। जमीयत यूथ क्लब के सदस्यों ने 11 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दोदाई गांव के वृक्षारोपण कार्यक्रम को आयोजित किया। 9 जुलाई 2023 को पूर्वी क्षेत्र भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा दूर से नमस्ते जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत आयोजित किया गया। 11 जुलाई 2023 को बिहार राज्य के सदस्यों द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। उड़ीसा राज्य द्वारा 11 से 13 जुलाई 2023 तक राज्य मुख्यालय भुवनेश्वर में राज्य पुरस्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया। 9 जुलाई 2023 को गेट नंबर 19B पर पूर्व मध्य रेलवे गया जिला एसोसिएशन द्वारा संरक्षण जन जागृति अभियान का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति स्काउट गाइड्स रोवर्स रेंजर्स प्रमाण पत्र 2022 हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर सिक्किम छत्तीसगढ़ ईस्ट कोस्ट रेलवे एवं एनएफ रेलवे राज्य द्वारा आयोजित किया गया। असम राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स हेतु राज्य पुरस्कार जांच शिविर 3 से 7 जुलाई 2023 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र समतापत्तर में आयोजित किया गया। अब बात करते हैं समाचार कुछ विस्तार से। एसडीसी पर स्काउट्स हेतु एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यशाला नेपाल स्काउट्स द्वारा 4 से 7 जुलाई 2023 तक एक क्षेत्रीय अवसर आयोजित किया गया। कार्यशाला में 3 युवाओं ने भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का प्रतिनिधित्व किया। कार्यशाला का उद्घाटन नेपाल की उपसभापति माननीय इंदिरा रणमगर ने दीप प्रज्वलित कर किया। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का एसपी वर्ल्ड ऑन व्हील वाओ प्रोजेक्ट छात्रों को डिजिटल ज्ञान प्रदान कर रहा है। कड़वास, पिटवाना एवं डेंसोटेन मिंडा प्लांट पावर हरियाणा राज्य के 109 छात्रों के तीसरे सत्र के लिए पंजीकृत किया जा रहा है एवं परियोजना समन्वयक श्री दीपक कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में बेसिक कंप्यूटर कोर्स एवं टेलीकॉम्प्रोसिव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पचमढ़ी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने यूनिसेफ साझेदारी परियोजना क्लैप क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान के अंतर्गत 3 जुलाई 2023 को NAI परिसर में 100 पौधे लगाए। कार्यक्रम का नेतृत्व श्री धनराज सैनिक कनिष्ठ प्रशिक्षण NAI ने किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने रोवर्स एवं रेंजर्स हेतु क्षेत्रीय युवा संगोष्ठी 4 से 8 जुलाई 2023 तक राज्य मुख्यालय शिलांग मेघालय में सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें नागालैंड NF रेलवे एवं मेघालय के 26 रोवर्स एवं रेंजर्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 4 जुलाई 2023 को मेघालय राज्य के उपाध्यक्ष एवं मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी शिलांग के कुलपति डॉक्टर TK बामन ने किया। समापन समारोह में श्री स्वप्निल टेम्बे IAS माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता निदेशक व मेघालय राज्य के अतिरिक्त राज्य मुख्य आयुक्त उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत स्काउट्स और गाइड्स का राज्य पुरस्कार समारोह 11 जुलाई 2023 को राजभवन ईटानगर में आयोजित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और स्काउट्स और गाइड को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए। कंचरापाड़ा जिला एसोसिएशन पूर्वी रेलवे राज्य के डांगापारा समूह ने कोलकाता में भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को हाइड्रेटेड रहने में मदद करने हेतु 10 से 15 जुलाई 2023 तक कचरापाड़ा रेलवे स्टेशन कार्यशाला परिसर में एक पेयजल सेवा शिविर प्रदान किया। 40 वरिष्ठ स्काउट गाइड्स रोवर्स एवं रेंजर्स ने यूनिट लीडर्स की देखरेख में अपनी सेवाएं दी।
इस सेवा से 350 से अधिक लोगों को लाभान्वित हुए। पूर्वी रेलवे राज्य एसोसिएशन द्वारा 16 से 22 जुलाई 2023 तक राज्य प्रशिक्षण पार्क मधुपुर में स्काउट्स विभाग हेतु पूर्वी रेलवे के विभिन्न जिला एसोसिएशन ने 28 स्काउट मास्टर्स, 34 स्काउट मास्टर्स एवं 20 रोवर स्काउट्स लीडर्स के साथ एडवांस कोर्स का आयोजन किया। राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर्स एवं रेंजर्स प्रमाणित परीक्षा 2022 हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 13 से 15 जुलाई 2023 तक ईस्ट कोस्ट रेलवे राज्य जिला प्रशिक्षण सह कैंपिंग कॉम्प्लेक्स खुर्दा में आयोजित किया गया, जिसमें 30 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 15 जुलाई 2023 को पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर जिला एसोसिएशन के मुख्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में महिला कल्याण संगठन सोनपुर की अध्यक्ष सहित सभी सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया। स्काउट गाइड बैंड टीम ने सदस्यों का स्वागत किया तथा गाइड द्वारा मुख्य अतिथि को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति भारत के लिए खेलो त्रिपुरा, त्रिपुरा सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग की एक पहल, जिसका उद्घाटन 16 जुलाई 2023 को रविंद्र शताब्दी भवन में माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री टिंकू राय ने किया। त्रिपुरा राज्य संघ के पश्चिम त्रिपुरा जिले के 30 स्काउट्स एवं गाइड्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा नशा मुक्ति को बढ़ावा दिया। सदस्यता वृद्धि परियोजना के अंतर्गत 10 से 16 जुलाई 2023 तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गौरेला, पेंड्रा एवं मरवाही जिला छत्तीसगढ़ राज्य में कब मास्टर्स, स्काउट मास्टर्स, गाइड कैप्टन्स एवं लोअर स्काउट लीडर्स हेतु बेसिक प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया गया, जिसमें 19 कब मास्टर्स, 48 स्काउट मास्टर्स, 19 गाइड कैप्टन्स एवं 14 रोवर स्काउट्स लीडर्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 11 जुलाई 2023 को 12 स्काउट गाइड्स जमे युद्ध क्लब जिला के सदस्यों ने दोताई गांव आपूर उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने MIU इंटर कॉलेज, शिव मंदिर एवं मदरसे में पौधे लगाए। सदस्यों को स्थानीय प्रशासन से सराहना मिली। राष्ट्रपति स्काउट्स एवं गाइड्स प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर विभिन्न राज्य समूह द्वारा आयोजित किए जाए। सिक्किम राज्य ने 7 से 9 जुलाई 2023 तक हिमालय फार्मेसी इंस्टीट्यूट मांझीटार रेंगोपो पूर्वी सिक्किम ने 11 गाइड एवं 1 स्काउट्स के साथ आयोजित किया। छत्तीसगढ़ राज्य राज्य प्रशिक्षण केंद्र जाकी में 10 से 14 जुलाई 2023 तक 37 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया। मिजोरम राज्य के कोलासिब जिले में 12 जुलाई 2023 को उपायुक्त सम्मेलन हॉल कोलासिब में राज्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। स्काउट्स एवं रोवर्स हेतु राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर 3 से 7 जुलाई 2023 तक 51 स्काउट्स एवं 5 रोवर्स के साथ आयोजित किया गया तथा गाइड्स एवं रेंजर्स हेतु प्रशिक्षण शिविर 8 से 12 जुलाई 2023 तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र चमतापत्थर में आयोजित किया गया था। 9 जुलाई 2023 को पूर्वी क्षेत्र के प्रभारी सहायक निदेशक श्री बबलू गोस्वामी के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्र 12 स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा दूर से सब नमस्ते पर जागरूकता कार्यक्रम वस्तुत आयोजित किया गया। विभिन्न राज्यों के संघों के 20 युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा परिवार एवं समुदाय के सदस्यों के बीच महामारी के बाद दुनिया में स्वस्थ व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा की। 11 जुलाई 2023 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सिवान जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित साइकिल रैली में बिहार राज्य के सिवान जिले के 50 सदस्यों ने भाग लिया। रैली का उद्घाटन अपर जिला दंडाधिकारी सिवान द्वारा सिवान के सिविल सर्जन की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर किया गया। राज्य पुरस्कार कार्यशाला 11 से 13 जुलाई 2023 तक राज्य मुख्यालय भुवनेश्वर में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर काली प्रसाद मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उड़ीसा राज्यपाल स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य मुख्य आयुक्त ने श्री शरद चंद्र पांडे फायर राज्य सचिव एवं अन्य राज्य अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला श्रीमती अनामिका दास, राज्य संगठन आयुक्त गाइड के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यशाला में 80 इकाई नेताओं, जिला अधिकारियों एवं सहायक नेता प्रशिक्षण ने भाग लिया। मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर मंडल के मार्गदर्शन में 9 जुलाई 2023 को गेट नंबर 19B पर पूर्व मध्य रेलवे के गहरवा जिला एसोसिएशन द्वारा संरक्षण जन जागृति अभियान का आयोजन किया गया। जिला एसोसिएशन की 15 सदस्यों ने संरक्षण जन जागृति अभियान की जागरूकता पैदा करने हेतु नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। अभियान का उद्देश्य बंद रेलवे फाटकों को पार करके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षा सावधानियों के महत्व पर जोर देना था। विभिन्न अधिकारियों और सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पश्चिम बंगाल राज्य के सोरामपुर उत्तरपाड़ा लोकल एसोसिएशन द्वारा 16 जुलाई 2023 को प्रगति संघ क्लब वज्रकाली में ड्राइंग प्रतियोगिता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कलाकार श्री अरविंद मुखर्जी ने ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए निर्णायक की भूमिका निभाई। उत्तरपाड़ा कोटुंडा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री दिलीप यादव ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स
राष्ट्रीय एसोसिएशन के मुख्य आयुक्त और यूपीएस प्रथम ग्रुप लीडर स्काउट श्री श्याम कुमार विश्वास ने पौधा भेंट किया। दक्षिण पूर्व रेलवे के मध्य जिले के शालीमार बालाजी ग्रुप ने 16 जुलाई 2023 को वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षोपण के दूसरे चरण का आयोजित किया। ग्रुप के अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों के इस अवसर की शोभा बढ़ाई तथा प्रतिभागियों का आशीर्वाद दिया। वन महोत्सव में कबुलबुल स्काउट गाइड्स, रोड रेंजर्स, स्काउट्स, स्काउटर गाइडर सहित 41 सदस्यों ने भाग लिया। 9 जुलाई 2023 को ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टेर जिले के तेलुगु तल्ली गाइड ग्रुप ने विशाखापट्टनम के डॉल्फिन नॉज कॉलोनी में वॉकर पार्क में स्काउटिंग गेम्स की गतिविधियों का आयोजन किया। 20 यूनिट लीडर्स, रेंजर्स और गाइड्स ने लोकप्रिय टीम के खेल तथा अन्य अवलोकन आधारित गतिविधियों में भाग लिया। 10 जुलाई 2023 को श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर जिला प्रशासन कबीरधाम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कबीरधाम में ओरमदेव पर पदयात्रा सहित स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। पदयात्रा में स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया।